बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कुकिंग कैपिटल विद वकास। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटो केचप। घर में बहुत आसानी के साथ हम ये बना सकते हैं और ये बहुत इजी है और ज़्यादा इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं यूज़ होते। मैंने 1 kg तकरीबन टमाटर लिए हैं, इनको मैंने 5 मिनट पहले बॉयल कर लिया था, पानी में बॉयल करके इनके छिलके उतार के और बारीक बारीक काट लिया। अब मैंने ये देखें, ये बारीक बारीक काट के अब इन्हें अब पतीले पर रख के थोड़ा सा दरमियानी आंच पे हम पकाएंगे। 5 से 10 मिनट के लिए हम इन्हें ऐसे दरमियानी आंच पे पकाएंगे। तो देखें हमारे हल होना शुरू हो गए हैं तकरीबन। जैसे ये नरम हो जाए फिर हम ये चूल्हा बंद करके इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। अभी थोड़ा टाइम है। ये देखें हमारे बिल्कुल ये नरम हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह हम ब्लेंड कर लेंगे। अब इसको हम छाननी के साथ अच्छी तरह छानेंगे। ये देखें ऐसे हम इसके ऊपर छाननी रखेंगे और ऐसे ऐसे हम छानते जाएंगे। ये देखें सारा हमने ऐसे बिल्कुल छान लेना है। देखिए केचप सारा हमारा निकला है। चलें आप इसको हम पकाएंगे दोबारा। सबसे पहले हम पतीले में ये अपना जो पेस्ट हमने छाना था वो निकल लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा बॉईल इसमें आ जाए इसमें हम रेड पेपर एक टेबल स्पून, यानी कि लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून ली है, नमक 1 टेबल स्पून, और चीनी। एक या 1.5 कप आप चीनी इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम हल करेंगे। अब इसमें हम सिरका डाल देंगे, तकरीबन 1 कप मैंने सिरका लिया था। सिरका बिल्कुल आखिर में मैंने डाला। इसमें हम और भी चीजें जो है मस्टर्ड पेस्ट वो भी डाल सकते हैं और भी यानी ऐड, लेकिन हर चीज के जितना टेस्ट है लेकिन ये बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है वो यही है। इसे अच्छी तरह आप थोड़ा सा थिकनेस जैसी हो जाए हम इसे उतार लेंगे। चले हमारा केचप बिल्कुल तैयार है और देखें थिकनेस इसमें भी आ गई है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं, सर्व करते हैं। हमारा टमाटो केचप बिल्कुल तैयार है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे रेसिपीज़ को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।